नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ वोकैबुलरी, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दावली का सही चयन और हमारे लाइफ में इसका इम्पैक्ट। आज जब हम बात करते हैं तो न जाने कितने अपशब्द यूज़ करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, जो उनको पता ही नहीं उनके जीवन में कैसे प्रभावित हो जाती है उनके जीवन की चीज़ें। अगर हम अपने सही शब्दों का यूज़ करेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे और हमारे विचारों से ही तो हमारा सारा काम होता है। हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो सब हमारे विचारों से ही आते हैं। तो अगर ये देखें कि हम किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करें, कैसे अपने शब्दों को यूज़ करें कि हमारे जीवन में इसका प्रभाव अच्छा पड़े, ये जीवन चॉइसेस है। लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस, चॉइसेस वी चूज़। ये जीवन हमारी खुद पे निर्भर करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह के टीवी सीरियल्स देखते हैं, क्या करते हैं अपने जीवन में, और हमारा जीवन वैसे ही प्रभावित हो जाता है। क्या हम अपने ईगो को बूस्ट देना चाहते हैं, अपने अहम को भोजन देना चाहते हैं और हमारा अहम और बढ़ जाए? तो अगर हम अहम बढ़ाएंगे तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, हम वहीं की वहीं रह जाएंगे। ऐसा होता है जैसे कि मैं अगर खेलना चाहती हूँ और मैं उसके साथ खेलूं जिससे मैं हमेशा जीत जाऊं, तो मेरी ईगो में एक पुष्टि हो जाएगी, मेरी ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर ईगो स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगी? मैं तो अपने आप को हमेशा ही अच्छा मानूंगी और मेरा कोई नेक्स्ट मापदंड ही नहीं होगा। और अगर मैं ऐसे इंसान के साथ खेलूं जो हमेशा मुझे हरा देता है, तो मैं कोशिश करूंगी आगे बढ़ने की, उसको हराने की, और उसको हराने के प्रयास में मेरी खुद की ग्रोथ होगी, मैं खुद आगे बढ़ूं। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ मैच खेलूं, कुछ भी खेलूं, चाहे चेस खेलूं, चाहे और कोई गेम हो जहाँ मैं हमेशा हारती रहूंगी, तो एक दिन आएगा रोज़ प्रयास करने के बाद मैं उसको हरा दूंगी। ये ऐसा करने से मेरे अंदर ग्रोथ होगी, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और मैं देखूँगी कि क्या मैंने ऐसे स्टेक्स लगाए, ऐसे शॉट्स लगाए जिससे मैं हार रही थी और अब मैं कैसे जीती। तो ये मेरे लिए लर्निंग है। अब देखिए, इंग्लिश भाषा में आई एम फॉलिंग इन लव, अब आप प्यार में कोई नीचे गिरते हैं? शब्द तो देखिए आप, यू शुड राइज इन लव, ये हमने सुना है कई बार, एग्जाम्पल कोट किया जाता है। शी इज़ डेडली ब्यूटिफुल, अब डेडली को यूज़ करते हैं, डेडली कैसा वर्ड है। शी इज़ स्टिंकिंग रिच, स्टिंकिंग यानी बदबू आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शी इज़ फ्रेग्रेंटली रिच, लेकिन हम बातें ही ऐसे करते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में से दुर्गंधी आती है अगर कुछ बाहर आता है तो, लेकिन शब्द ऐसे हैं अगर उनका हम सही प्रयोग करें, सही शब्द बोलें, तो हम बहुत जीवन में, अपने और लोगों के जीवन में एक अच्छा सुधार ला सकते हैं। हमारे थॉट्स वो क्रिएट होंगे, और जब हम एफर्मेशंस की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव बात करेंगे और हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएंगी। अब आप देखिए, जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे टीवी सीरियल्स में लगाते हैं, उनकी लाइफ में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या सीख रहे हैं? उनकी लाइफ डेड हो जाती, देयर इज़ नथिंग टू लर्न। लेकिन अगर हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे राइटर्स को पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं जो हमसे ज़्यादा सफल हैं, तो हम उनकी सफलता के भागीदार बन जाते हैं, यानी हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रोत्साहन मिलता है। और वहीं अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो जीवन में सफल नहीं है और हमेशा नकारात्मक बात करते हैं या गाली गलौज से बात करते हैं, तो उनका जीवन क्या रहता है? ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, ये तो पता ही है हमें। और ये पावरफुल, उसको जो भी देंगे, जो भी फीड करेंगे, वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें अपनी ईगो को बूस्ट करना है तो हम अपने से नीचे वाले लोगों के साथ रहें विचार में, सक्सेस में, और हमें आगे बढ़ना है
तो उनकी सफलता के राज देखें, उनसे बात करें, उनसे अच्छी चर्चा करें तो हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये होता ही है, हम एक दूसरे से सीखते ही हैं कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में और क्या नहीं कर रहे हैं। अब जो ये वोकैबलरी है, वोकैबलरी कई बार हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी तरह की भाषा भी बोलने लग जाते हैं कि वो हमसे जुड़ जाएं, पर क्या ये सही है? आज मुझे अगर ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ना है तो मैं YouTube पे वो लैंग्वेज यूज़ करूँगी जिससे लोग मुझसे जुड़ जाएं। अब वो चाहे सही है या गलत है उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं एक गलत मैसेज लोगों को दूंगी और कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि विचार ही हैं हमारे जीवन की शैली, हमारे जीवन को आगे लेके जाने वाली, और जीवन में विचारों से ही हम आगे बढ़ते हैं और विचारों से ही एक्शन लेते हैं हम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचार कैसे हों, हमारे शब्दों का चयन कैसे हो, हम उन शब्दों को यूज़ करें जो हमारे अंदर एक अच्छी खुशबू लाते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं, हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण हो जाते हैं। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलते हैं? चल रही है गाड़ी। अब इज़ दिस अ वे? जब आप ये ऐसी बात बोलते हैं चल रही है गाड़ी, या ठीक ही हूँ, भगवान भरोसे हूँ, तो ये शब्द क्या कह रहे हैं? और अगर हम यही बोलते हैं या आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग वेरी मच गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन माई लाइफ, ये हमारी एकदम एनर्जी को लिफ्ट कर देते हैं, हम उसी एनर्जी में आ जाते हैं। ये बहुत ही सटल साइंस है शब्दों का प्रयोग। हम क्या अपने बारे में एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं, अपने बारे में क्या बोलते हैं, अरे मैं तो कभी भी सफल नहीं हो पाता, ना जाने मेरे जीवन में क्या हो जाता है, मैं जब भी काम शुरू करता हूँ सब खत्म हो जाता है, तो हम बार बार वो क्रिएट करते हैं शब्दों से, अपने अराउंड वो ऑरा आभा मंडल बना लेते हैं, वैसी चीज़ें होने लग जाती है। चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इस साइंस को बहुत अच्छे से समझती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं करी शब्दों के चयन में या बात करने पर, जैसे जैसे मैं सजग होती गई मेरे अंदर निखार आता गया, मेरी लाइफ में निखार आता गया और सफलता भी बढ़ती गई। तो आप लोग जो भी मेरे इन वीडियोस को देखते हैं उनको बारीकी से देखें, समझें और मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, मुझसे पूछें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि जो भी मैं यहाँ बोलती हूँ वो मेरे जीवन का निचोड़ है, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है कैसे क्या होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, जो आपको समझ नहीं आ रहा ट्रांसलेट करेंगे तो भी वो आपके जीवन में उतर जाएगी और आप उस तरीके से कार्य करने लग जाएंगे। तो ये कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो आपको अगर सफल होना है, और सफलता से कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, आपकी हर चीज़ माफ़ हो जाती है अगर उस समय अगर आप सफल हैं तो। अगर कोई असफल व्यक्ति कोई गलती कर जाए तो उसको तो जो मार पड़ती है लोगों की आप जानते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम शब्दों का कैसे चयन करें, अपने थॉट्स को कैसे आगे करें, कि क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या बात करें, किन लोगों में उठे बैठें, ये सारा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जब ऐसी टॉक्स होती है ना, लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि बहुत जेनरिक है, तो हमें पता ही है, पता होना और जीवन में उतारने में बहुत फ़र्क है। जब हम जीवन में उतारेंगे तभी कुछ फ़र्क आएगा। डॉक्टर को दिखा के आने से, दवाई ना लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। डॉक्टर को दिखा के उसकी दवाई लेने से फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो दवाई दिखा के आए हैं, जो दवाई डॉक्टर ने हमें दी है वो लें, तभी कुछ हमारी हेल्थ सुधरेगी। लेकिन मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए, क्या वोकैबुलरी है, कैसी होनी चाहिए, कितनी अच्छे मीठे शब्द दीजिए ना लोगों को, कड़वा क्यों देना किसी को, ये हमारे हाथ में है। आज के लिए इतना ही। होप मेरे बात को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस विद मी। बाय बाय।